प्रायोरिटी तुमच्या समोर सांगेल तर मी सोन्यासारख्या मुलाचं सोडायला सोडता. अम्मा सोन्यासारखे मुलांचा सोने से स्वागत. दसवी बारावी का क्या कहेंगे इस बार? माझ्या विभागातील दहावी आणि बारावी जे पास झालेले विद्यार्थी आहेत त्यांच्या आईवडिलांच्या आशीर्वादामुळे मी या ठिकाणी गेले अनेक वर्ष नगरसेवक आणि आता आमदार म्हणून निवडून आलेला आहे. मग त्यांचे जी मुलं आहेत ज्यांच्या आईवडिलांचा आशीर्वाद माझ्या डोक्यावरती आहे त्यांच्या आशीर्वादामुळे मी आज या ठिकाणी समाजामध्ये एका चांगल्या पदावरती उच्च पदावरती आहे. आणि म्हणून ज्या मुलांच्या आईवडिलांच्या आशीर्वादाने मी या ठिकाणी आहे त्या सोन्यासारख्या मुलांचा सोन्याने सत्कार करणं हे माझं कर्तव्य आहे. आणि म्हणूनच माझ्या विभागातील जे दहावी आणि बारावीचे विद्यार्थी आहेत चांगले मार्क्स घेऊन जे पास झालेले आहेत आईवडिलांच्या नावाबरोबरच माझ्या विभागाचं नाव त्यांनी मोठं केलेलं आहे अशा सोन्यासारख्या मुलांचा सोन्याने सत्कार करण्याचं काम कौटुंबिक सोहळा या ठिकाणी आज पार पडलेला आहे. त्या विद्यार्थ्यांचं आणि त्यांच्या आईवडिलांचं मी मनपूर्वक आभार मानतो. हाँ, पिछले कई सालों से आप गुणगौरव कर रहे हैं. यहाँ पे एक जो स्टूडेंट थे जिनको आपने सत्कार किया था आज वो डॉक्टर बन गए जैसे आपने बताया, तो कितनी खुशी मिलती है मामा ये मुझे? एक दिवसभर केलेली मेहनत आयुष्यभर केलेली मेहनत समाजाची केलेली सेवा हे करत असताना एखाद्या विद्यार्थ्याने या महाराष्ट्रामध्ये या मुंबई शहरामध्ये या विभागाचं नाव जे मोठं केलं त्याबद्दल आनंद होत असतो. मैं आपको कहा कि जिस बच्चे का लोग माँ बाप का आशीर्वाद मेरे सर पे है वो चांदिवली विधानसभा के अंदर सभी बच्चे लोग जो दहावी और बारहवीं पास हुए हैं उनका सम्मान करना उनके माँ बाप का सम्मान करना ये मेरा फर्ज है. उनके माँ बाप का विश्वास मेरे सर पे है, उनका आशीर्वाद मेरे सर पे है, उनका सहयोग मेरे साथ में है. इसी की वजह से ऐसे लोगों को मान सम्मान देना उनके बच्चे को मान सम्मान देना ये मेरा फर्ज है और मैं फर्ज पूरा कर रहा हूँ. मामा आने वाले दिनों में चांदीवली विधानसभा के अंदर और भी खुशी मिल सकती है, संकेत दिए जा रहे हैं कि हो सकता है कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में अपना भी शामिल हो जाए. देखिए चांदिवली विधानसभा के विधायक उनके सहयोग से महाराष्ट्र में आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब जिनको कई लोग कहते कि रिक्शा ड्राइवर है, गरीब है, किसान का बेटा है, एक सच्चा कार्यकर्ता है, इन्हीं को महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र के लोगों की सेवा करने के लिए उनको मुख्यमंत्री बनाया. वो एक मेरे लिए, मेरे खानदान के लिए, मेरे विभाग के लिए, मेरे विभाग के लोगों के लिए वही एक बहुत बड़ी बात है. उसके लिए मेरी खुशी है, ऐसे ही खुशी हमेशा रहेगी. मैं आपके सामने कहा कि एक रिक्शा ड्राइवर चांदिवली के लोगों ने उनको विधायक बनाया, एक रिक्शा ड्राइवर महाराष्ट्र के लोगों के आशीर्वाद से शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे के आशीर्वाद से एक रिक्शा ड्राइवर सच्चा शिवसैनिक सच्चा समाजसेवक मुख्यमंत्री बन गया. मैं भी खुद को एक रिक्शा ड्राइवर है इसलिए मैं खुद को मुख्यमंत्री समझ रहा हूँ. वैसे हमारे नेता ने कहा है कि मैं अकेला मुख्यमंत्री नहीं हूँ, मेरे साथ में जो 50 विधायक है वो सभी मुख्यमंत्री है, वैसा मैं भी मुख्यमंत्री समझ रहा हूँ. आखिरी सवाल ये है कि काम की गति तो बढ़ती जा रही है, आने वाले दिनों में और क्या काम हो सकते हैं? वही मैं आपको बता रहा हूँ. मंत्री बनने से अच्छा मेरे विभाग का विकास हो गया,
मेरे विभाग के लोगों की सेवा हो गया। मेरे विभाग के लोगों को जो चांदिवली का विकास चाहिए, चांदिवली में सुविधा चाहिए, वो मिल गया तो मंत्री पद से ज़्यादा वो अच्छा है।